फ्रेंड्स कैसे आप फाइनल में कुछ और वीडियो लेकर आया हूँ और आपसे बताऊंगा फ्रेंड्स इनके हमें इनके पीवीसी पाइप होता है ना उसे इनके प्रयोग करके हम इनके अपने घर पर इनके बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड इनके टॉर्च लाइट इनके बना सकते हैं। आपसे बता दें फ्रेंड पीवीसी के पाइप इनके यूज करेंगे और साथ में फ्रेंड बड़े वाला जो फ्रेंड्स एलईडी होता है एलईडी टॉर्च लाइट इनके हम बनाएंगे तो आप तो ये वीडियो बने रहे और जान जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो कि ऐसा जो कि एलईडी बल्ब होता है ठीक है, इसी एलईडी बल्ब को जो कि यूज करेंगे और यहाँ पर टॉर्च लाइट जो कि पीवीसी की मदद से इनके बनाएंगे जो कि ऑन ऑफ भी होगा और रिचार्जेबल इनके होगा, इसे इनके हम चार्ज भी कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या जो कि कंपोनेंट्स है आपसे बता दें फ्रेंड्स। एक हमारे पास खराब जो कि एलईडी बल्ब है वो इनके आप इनके ले लीजिएगा जो कि फ्रेंड्स मेरे पास खराब ऑलरेडी था तो वो ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इनके एक हमारा जो पीवीसी पाइप है आप फ्रेंड्स जितना भी इनके बड़े ले सकते हैं आप अपने हिसाब से जो ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये बता दें फ्रेंड्स ये हमारा इनके बोले इनके पत्ता वाला इसे इनके हल्का मोटा वाला ले लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हमें फंसाना होगा ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स आप इन टेप का भी यूज कर सकते हैं, अगर इससे इनके मोटा वाला लेंगे ना तो इसमें डायरेक्ट इनकी ये हमारा सेटिंग हो जाएगा ठीक है। आपसे इनके बता दूँ ऐसा वाला मोटा वाला जो कि लेंगे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अच्छे तरीके से जो कि हो जाएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स एक पीवीसी पाइप एक टॉर्च लाइट और इस पीवीसी पाइप में फ्रेंड्स इनकी एक होल कर लीजिएगा ठीक है। इनके होल किस लिए इनकी हमें करना है इनकी बोलेंगे कि इसमें इनके हम यहाँ पर स्विच इनके लगाएंगे ठीक है। और एक फ्रेंड्स इनके हमारा स्विच भी इनकी एक लेना होगा ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो कि आप स्विच इनके ले सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये वाला स्विच है। उसके बाद फ्रेंड्स आप बता दूँ कि आप यहाँ पर चार्जिंग पिन के लिए ये इनकी यूज कर सकते हैं, तो आपके पास इनके मॉड्यूल है ना वो भी इनके लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इससे भी आप काम चला सकते हैं, चार्ज कर लेंगे तो हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक लिथियम बैटरी होता है, लिथियम बैटरी आपको लेना है ठीक है। इसको इनकी इसमें इनके लगाने के लिए भीतर से लिथियम बैटरी रखेंगे तो हमारा ये बनेगा ठीक है। और देखिए मैं इनके 6 एलईडी जो कि ले लिया हूँ, आप इनके एलईडी बल्ब इनके आप जितने मन चाहे उतने आप ले सकते हैं। जो कि फ्रेंड्स ये हमारा लाइट ना फ्रेंड्स इनके हम लाइट के भी इनके टॉर्च लाइट के भी इनकी मदद कर सकते हैं और इसके फ्रेंड्स मिल लेंगे घर पर इनकी रख कर इनकी पढ़ भी सकते हैं तो और भी इनके कुछ काम कर सकते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स इतने जो कि हमें कंपोनेंट जो कि यहाँ पर लेना है और चलिए आप सबके प्रोसेस जो कि क्या करना है ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनकी सभी को इनके मैं साइड कर देता हूँ। साइड करने के बाद फ्रेंड्स आप बता दूँ कि इसे सबसे पहले इनकी ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने का देखे फ्रेंड्स यहाँ पर सभी इनके मैं इनकी इसका बोर्ड वोर्ड भीतर साइड का होता है ना सभी इनकी निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद आपसे बता दो फ्रेंड्स इसमें जो कि दो वायर जो कि नीचे साइड में यहाँ पर निकाल लिया हो ठीक है। दो वायर फ्रेंड्स इसलिए जो कि निकाला हो इसमें इनके हमारा एलईडी का है ना उसमें इनकी कनेक्शन करेंगे और ये दो वायर फ्रेंड्स इनकी इसमें इनकी मैं सोल्डिंग करके जो कि यहाँ पर जो कि निकाल लिया हो ठीक है। आप भी ऐसे करके जो कि यहाँ पर दो एन की वायर निकाल लीजिएगा और यहाँ पर भी फ्रेंड्स दो वायर जो कि सोल्डिंग करना होगा ठीक है। तो इनकी यहाँ से भी इनकी दो वायर जो कि हमारा बाहर के साइड में आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना काम कर लीजिएगा और साथ में फिर इनकी इसका जो कि चिप्स है ना तो वो इनके ऐसा वाला जो कि खराब हो चुका है तो उस पेन के इधर के साइड में पलटा देंगे तो आपके पास ऐसा ऑलरेडी होगा। तो यही पेन की अपने हिसाब से पेन की हर एक एलईडी बल्ब कर लेंगे ठीक है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कनेक्शन करेंगे फिर प्लस 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 और माइनस माइनस इनके एलईडी इनकी रख लेंगे और यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे और दो वायर जो कि निकाल लेंगे ठीक है। और यहाँ पर फिर इसको इनकी फिटिंग कर देंगे और ये बाहर के साइड में दो वायर यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइनिंग है और यहाँ से दो वायर इनकी लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले इनकी मैं कनेक्शन एलईडी बल्ब को कर आप इनके दिखाते हैं। मैं इनकी ब्लू गम लगा कर फिर इनकी इसको इनकी आयरन का मदद से इनकी रस कर इनकी फेंक इनकी लगा दिया हुआ। यहाँ पर ब्लू गम में इनकी हल करके लगा दिया क्योंकि फिर से ये नहीं उखरेगा। उसका इनके दो वायर जो कि यहाँ पर बाहर के साइड में इनके मैं निकाल लिया हूँ और दोनों वायर फ्रेंड निकालने के बाद आपको बता दूँ क्या करना है। इनके इसमें से जो कि दो वायर इनके निकाले हुए है उसमें इनकी मैं कनेक्शन डायरेक्ट इन कर दे रहा हूँ और टेप लगा दे रहा हूँ। टेप लगाने का भीतर साइड में इनकी ऐसे फिट कर देंगे और यहाँ पर फिर दो इनके वायर जो कि सोल्डिंग करेंगे ठीक है। चलिए फिर से हम टेप लगाकर इसको इनके ब्लू गम से इनकी फिनिशिंग कर लेते हैं। टेप लगाने के बाद इनके भीतर साइड में अच्छे तरीके से इनकी रख देंगे और रखने के बाद फिर इनकी इसके अच्छे तरीके से बैठा देंगे ठीक है क्योंकि फिर हमारा टूटेगा नहीं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तरीके से बैठ गया है, बैठने का फ्रेंड्स इनके हल्का हल्का क्या करेंगे इनके ब्लू गम लगा देंगे जिससे हमारा ये बल्ब ना ऊपर के साइड में नहीं आएगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इनके हल्का हल्का करके इनके ब्लू गम मैं इनकी लगा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स हम ब्लू गम लगाने का देंगे इसको इनके फिट कर दिया। फिट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे इसका जो कि ढक्कन है या ढक्कन जो कि हम यहाँ पर लगा देंगे ठीक है। लगाने के बाद इनके दो वायर जो कि यहाँ पर निकालेंगे यानी कि बल्ब का कनेक्शन हमारा हो गया ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्शन में इनके दो वायर इनकी रस कर आपको बताते हैं। बॉल में इनकी कनेक्शन कर दिया हूँ। कनेक्शन करने के बाद देखे फ्रेंड्स हम स्विच में इनकी दो वायर जो कि निकाल दिया हूँ। और फ्रेंड्स आपसे बता दूँ कि आप इनकी इस पीवीसी पाइप में इनकी आपसे इनकी होल जरूर इनकी कर लिए होंगे। होल करने के बाद देखे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसमें इनकी स्विच इनकी लगाऊंगा ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी इसमें यहाँ पर जो कि हम स्विच लगाकर जो कि इसको फिट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप स्विच के इनकी मैं लगा दी। स्विच लगाने के बाद फ्रेंड्स इनके बॉल के इनके हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बॉल को भी इनकी यहाँ पर
सबसे पहले इनकी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इनके भीतर से मुझे वायर करेंगे और फ्रेंड्स कैसे कनेक्शन करना है आपको इनके मैं बताऊंगा। जो कि बॉल्स सपोज इनकी मानिए कि यहाँ पर है फ्रेंड्स, ऐसे करके जो कि यहाँ पर हम फेविक्विक के मदद से इनकी स्क्रीन को चिपका देंगे, ठीक है। जैसे इनकी स्विच ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे टॉर्च लाइट जो कि ये LED लाइट बोले इनके बलेगा। उसके बाद इनके यहाँ पर देखें फ्रेंड्स चार्जिंग पिन के लिए मैं इनके ऐसा इनके एक डिबा ले लिया हूँ, जो कि फ्रेंड्स इधर के साइड में ना क्या करेंगे इनके स्क्रीन को हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कि लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स इनके हम चार्जिंग पिन को इनके होल्ड करके इनके यहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले इनके होल्ड करके इसको चार्जिंग पिन के यहाँ पर फिट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम चार्जिंग पिन में इनकी लगा लिया हूँ। भला के फ्रेंड्स ये हमारा पहले से जो कि फूटा हुआ था इनके फूट गया, उसके बाद इनकी मैं लगा लिया हूँ। आप सब ये इनके ऐसे डिब्बे में इनकी होल्ड करके लगा लीजिएगा, उससे इनके इसका दो वायर जो कि प्लस और माइनस जो कि निकाल लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसको इनके क्या करिएगा, आप इनके बैटरी है ना, बैटरी को इनके डायरेक्ट जो प्लस वाला वायर है जो कि चार्जिंग पिन में डायरेक्ट प्लस और माइनस वाला वायर है डायरेक्ट इनके माइनस कर जो कि कनेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर बैटरी का कनेक्शन ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इनके देखिए बॉल का कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स इनके हमारा ये स्विच भी है और बॉल भी है, ठीक है। तो फिर स्विच का ये दो वायर है ना, तो दो वायर में फ्रेंड्स इनके एक बॉल का जो कि वायर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इनके आप इनके चेक करिएगा फ्रेंड्स बॉल्ब है ना जो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको जो कि हम चेक कर लेते हैं पहले। तो देखे फ्रेंड्स हमारा ये प्लस वाला वायर है ना जो कि ये वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी इनके बॉल को एक बार बाल कर इनकी देख लीजिएगा, ठीक है। बॉल को बारेंगे और बालने के बाद फ्रेंड्स इनके यहाँ पर आप बता दूं कि एक कोई सा भी इनके वायर जो कि यहाँ पर बॉल में डायरेक्ट इनके कनेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इनकी डायरेक्ट कोई सा भी जो कि वायर है कनेक्शन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स एक वायर जो कि यहाँ पर बॉल मानिए कि बॉल रहा है ऐसे, तो फ्रेंड्स बॉल बोलने के बाद ये वायर है ना तो जो कि स्विच है ना, तो इसमें इनके स्विच के इनकी कनेक्शन हम कर देंगे। एक एक वायर जो कि दोनों में इनकी करेंगे, एक बॉल वाला में और एक बचा हुआ फ्रेंड्स है ना वो इनकी बैटरी के वाला में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा स्विच का कनेक्शन हो गया। जैसे कि हम स्विच इनके यहाँ पर बोलेंगे ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा बॉल जो कि बलेगा। देखिए यहाँ पर आप इनकी डायरेक्ट इनकी स्विच इनकी ऑन करें तो इनके बल्ब बल गया, और ऑफ करें तो इनकी बल्ब हमारा बंद हो गया, ठीक है। तो फिर स्विच का कनेक्शन हो गया और चार्जिंग पिन का मैं बताया डायरेक्ट इनकी ये पॉजिटिव जो कि फ्रेंड्स जोन से इनकी बैटरी के साइड में ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला वायर में जो कि ये आप कनेक्शन करिएगा रेड वाला, और ये वाला में फ्रेंड्स इनकी माइनस वाला जो कि हम कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन करने के बाद चलिए फ्रेंड्स इसको इनके अच्छे तरीके से इनके भीतर के साइड में फ्रेंड्स इनकी रख देंगे, ठीक है। क्योंकि फिर से इनकी रखेंगे ना तो ये इनके बोले इनके हमारा ये अच्छे तरीके से भीतर के साइड में इनकी जाएगा और उससे इनकी इसको बैठा सकेंगे, ठीक है। उससे पहले प्लीज आप से इनकी इसमें इनकी जो टेप कनेक्शन जो कर लीजिए। चलिए मैं इनके टेप कनेक्शन जो कि यहाँ पर कर लेता हूँ। चलिए टेप लगाने के बाद फ्रेंड्स इनकी धीरे धीरे करके इनके सभी के इनके वायर का जो कि हम भीतर के साइड में जो कि रखेंगे, ठीक है। भला कि ये बाहर आ रहा है तो इनके बाद में जो कि इसको फिटिंग कर सकते हैं। कि मैं भीतर के साइड में कर दिया हूँ। भीतर के साइड में करने के बाद आप बता दें फ्रेंड्स इस पर जो कि आप टेप लगा लीजिएगा, क्योंकि भीतर के साइड में जाएगा तो कोई शॉर्ट सर्किट है कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर उस पर भी इनकी मैं टेप लगा देता हूँ। और टेप लगाने के बाद फ्रेंड्स अच्छे तरीके से जो कि भीतर जो कि हम इसको भी इनकी कर देंगे, ठीक है। और चलिए मैं भीतर के साइड में करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि हम फेवी की क्या तो बोले इनकी टेप के भी मदद से इनकी टेप लगा देंगे तो फ्रेंड्स ये भीतर के साइड में जो कि सॉरी बाहर के साइड में इनकी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसका टेप लगा कर मैं फिनिशिंग कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी इनकी फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पर टेप लगा दिया। और फ्रेंड्स इनकी टेप लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे इनकी स्विच इनके ऑन करेंगे तो इनके हमारा लाइट जो कि जल रहा है बहुत ही जो कि अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये LED टॉर्च लाइट जो कि बन गया है। फ्रेंड्स अगर इसको रात में क्योंकि ज़्यादा लाइट देगा रात में इनके बालेंगे तो, और फ्रेंड्स आपसे बता दूं कि यहाँ पर चार्जिंग पिन भी है इनकी, चार्ज करेंगे तो इनके हमारा बैटरी जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लगभग आपका दो घंटा ऐसे चार्जिंग पिन लगेंगे तो दो घंटा आप करिएगा और निकाल दीजिएगा। आपका एक बार चार्ज करें तो फिर बहुत लमसम 3-4 घंटे आपका बलेगा। तो फ्रेंड्स ये टॉर्च लाइट है ना फ्रेंड्स ये तो लाइट उतना ज़्यादा बोले कि एक ठाम में इनकी देगा, मगर फिर बोले कि आपका ये पढ़ने के लिए तो कुछ इनकी करने के लिए आप तो बोलेंगे इधर उधर जाएंगे उस वक्त भी इनके आप ऐसे मजा से इनके जा सकते हैं, इनकी इधर उधर कर इनके जा भी सकते हैं, या तो एक ठाव में इनके आप रख देंगे और बाल के इनके आप कोई भी इनके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये टॉर्च लाइट आप सभी को कैसा लगा, सिंपल और छोटा था आप तो इनकी वीडियो में देख लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा था लाइक से जरूर करिएगा, और साथ में चैनल संतोष प्रणा ऑफिसर पर नए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह न्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए कोई भी सलाह से प्लीज जरूर कमेंट ऑप्शन लिख दीजिएगा। चलिए और वीडियो का लंबा न करते पिन करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।